दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पुलिस दूर संचार विभाग भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 272 टोटल वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 से 81,600 सेल ली है। 23 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ये इसकी अंतिम तिथि है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या फिजिकल डिटेल है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पुलिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट पुलिस दूरसंचार विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, टेली कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल की यहाँ पर यह भर्ती निकली है। 272 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु बुक्स भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शैक्षणिक प्रकाशक है। चक्षु बुक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री प्रकाशित करती है। चक्षु बुक्स हर साल छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि जैसी विभिन्न भाषाओं में 200 से अधिक शीर्षक प्रकाशित करता है। चक्षु एक बहुत ही अनोखे लेआउट का पालन करता है और इसलिए चक्षु बुक्स 1,00,000 से ज़्यादा छात्रों की पसंद है। दोस्तों चक्षु का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए भी इस सेट का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें से अपनी तैयारी पक्की कर सकते हो। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको इन बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिन पर जाकर आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों करें अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को पक्का चक्षु बुक्स के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती के बारे में, जो कि हेड कांस्टेबल के लिए निकली हुई है। टोटल 272 वैकेंसीज है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी 10 जनवरी 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 फरवरी 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 23 फरवरी 2022 है। बात अगर यहाँ पर सैलरी की जाए तो 25,500 से 81,600 है लेवल 4 के अंतर्गत। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो 12th पास यानी कि 12वीं पास, इंटरमीडिएट एग्जाम पास साथ में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। बात अगर फिजिकल डिटेल की जाए तो हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर है, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर है, माउंटेन यानी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए 157.5 सेंटीमीटर है एसटी कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए हाइट की अगर बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर है, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर है, माउंटेन एरिया और एसटी कैटेगरी के लिए। चेस्ट की बात की जाए तो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए। इसी तरह 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर, माउंटेन एरिया और एसटी कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। SSSC.UK.GOV.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। 3 जनवरी 2022 को यह ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, पुलिस दूर संचार
विभाग में समूह ग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। 3 जनवरी को विज्ञापन जारी हुआ है। 10 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे। 23 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। लिखित परीक्षा की अनुमानित समय यहाँ पर जुलाई 2022 है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ से हिंदी में डिटेल रीड कर सकते हो और सिंपली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, बात अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जाए तो यहाँ पर मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार हेड कॉन्स्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए 272 वैकेंसी निकली है। इसमें यहाँ पर अन्य जाति के लिए देख सकते हो 40 वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। और साथ साथ अन्य जनजाति के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है और साथ साथ यहाँ पर 29 है और सामान्य के लिए 159 है। टोटल 272 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। सैलरी 25,500 से 81,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। 18 से 22 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12th पास आउट डिप्लोमा है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो शारीरिक डिटेल, यहाँ पर शारीरिक मापदंड की कंप्लीट डिटेल दी गई है, जो हम आपको पहले भी इस वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। आप यहाँ से भी सिंपली रीड कर सकते हो। मेल फीमेल के लिए आपको यहाँ पर हाइट और चेस्ट की कंप्लीट डिटेल दी गई है। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि चयन के लिए सोमको की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें इस पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। इसी तरह यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न दिया गया है जो आप यहाँ से हिंदी में रीड कर सकते हो। इसको स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आपको एज लिमिट की कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फीस पेमेंट की डिटेल, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर न्यू एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको यहीं पर 10 जनवरी 2022 को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।